बहुत ही गजब का पृष्ठ है। आनंद रत्नाकर 26 अक्टूबर युगल गीत से लिया है। शीर्षक है, जो ईश्वर को पहचान लेता है उसको सब जगह ईश्वर का दर्शन होता है। ये पहचान करना ईश्वर की सबसे बड़ी बात है। तो ईश्वर को जो पहचान लेता है उसको सब जगह ईश्वर का दर्शन होता है। यदि किसी मनुष्य को कृष्ण दर्शन मिल जाए तो जिन आँखिन में ये रूप बस्यो तिन आँखिन को ते अब देखिएगा। जिन नेत्रों में ये रूप बस गया उन नेत्रों से अब कुछ भी देखने लायक नहीं रहा। बावरी वे अंखियां जर जाए जो सांवरो छाड़ निहारे तो गोरो। जो सांवरे को छोड़कर गोरे को देखना चाहती है वे आंखें जल जाए। संसार से ऐसा वैराग्य बिना भक्ति के, बिना उपासना के, बिना कृतोपास्य हुए नहीं हो सकता। आज भी कृपात्री जी महाराज कह रहे थे कि कितना भी ज्ञान, कितना भी ध्यान है ना, वो वैराग्य नहीं ला सकता। अगर वैराग्य आएगा तो इसी भक्ति से। वही महाराष्ट्र कह रहे हैं कि संसार में ऐसा वैराग्य जो ऊपर के पैराग्राफ में कहा है, क्या कि जिन आखिन में ये रूप बसो तिन आखिन थे अब देखिए का, है ना। जिन नेत्रों में ये रूप बस गया उन नेत्रों से अब कुछ भी देखने लायक नहीं रहा। और इससे भी और ज़बरदस्त, बावरी वे अखियाँ जर जाए जो सांवरों छाड़ निहारत गोरो। जो सांवरे को छोड़कर गोरे को देखना चाहती हैं वे आँखें जल जाए। और ऐसे ही कई प्रकार के है ना वाक्य जो है भक्तों के। तो महर्षि कहना क्या चाह रहे हैं कि संसार से ऐसा वैराग्य बिना भक्ति के, बिना उपासना के, बिना कृतोपास्य हुए नहीं हो सकता। कृतोपास्य यानी जिसने उपासना कर ली है उसको कहते हैं कृतोपास्य। तो महर्षि ने ये उपासना कर ली थी, महर्षि कृतोपास्य थे, है ना। ईश्वर साक्षात्कार पर्यंत उनकी उपासना थी तो उनको वैराग्य हुआ। देखिए, पत्नी और पुत्र और माताजी और सबको छोड़ के सन्यासी हो गए। तो संसार से ऐसा वैराग्य बिना भक्ति के, बिना उपासना के, बिना कृतोपास्य हुए नहीं हो सकता। तो महर्षि का मैं दृष्टांत दे रहा हूँ, यानी जितने ये महापुरुष हुए हैं तो उनका देखते हैं जीवन गजब। अच्छा, तो फिर और लोगों को ये क्यों नहीं हो पाता, सुनो। यह तो बात ऐसी हुई कि जो जैसी संगति में पड़ जाता है, जो जैसी बात सुनने लगता है, अपनी बुद्धि तो ज़्यादा काम देती नहीं, दूसरे की सुन सुनकर दूसरे की अक्ल अपने भीतर घुसेड़ लेते हैं। तो इस वाक्य में महाराष्ट्र क्या कह रहे हैं कि ये संसारी लोग जो हैं वो संसार की महिमा सुना सुना कर और हमको बताते हैं कि भाई ऐसे थोड़ी चलेगा, है ना। व्यवहार जब करना ही है तो ऐसे थोड़ी कि भाई चलो अपना ठाकुर जी का नाम ले रहे हैं तो घीराम जी ऐसे महापुरुष, है ना, बोले कि ईश्वर ने हमको पहचान लिया। तो ये जो अपवाद उपवाद वेदांती कहते हैं, अब वही जो कृपात्री जी महाराज का वाक्य है कि ज्ञान और ध्यान से है ना कुछ नहीं होगा, उसी को ले रहे हैं महाराज जी। ज्ञान वाले क्या करते हैं, बोले इसका अपवाद, ये मिथ्या है, ये मिथ्या है ना, ये अपवाद। तो अपवाद मतलब है नहीं, अध्यारोप का मतलब है। जैसे हमने मंद अंधकार में रज्जू में सर्प देखा, गोपालगढ़ गए शाम को, काम चल रहा है, कोई होश पाइप पड़ा था, एकदम लगा कि भाई, सुन भी रखा था कि उधर सांप वाँप रहते हैं, एकदम डर लगा कि भाई सांप है, और वहाँ सचमुच में डर गए। तो ये तो हो गया, क्योंकि होश पाइप है, वो है ही नहीं वहाँ सांप, तो अध्यारोप हो गया सांप का। क्यों, क्यों, अब कैसे पता लगा, जब प्रकाश वहाँ लाइट आई है ना, स्वामी जी ने वहाँ प्रकाश करके दिखाया तो देखा कि वहाँ तो है ना रज्जू है, सर्प नहीं है। तो ये अपवाद हो गया, यानी जो हमने देखा भ्रांति, तो भ्रांति का अपवाद हो जाता है, था नहीं वहाँ कुछ। तो ये क्या कहते हैं कि भाई ब्रह्म ही सच्चा है, परमात्मा ही सच्चा है, ये जगत है ही नहीं। तो महर्षि कह रहे हैं कि ये जो अपवाद अपवाद वेदांति कहते हैं, यानी जगत है नहीं, प्रपंच है नहीं, अपवाद माने नीति नीति, है ना। तो नीति नीति कैसे कहते हैं कि भाई ये है परमात्मा, बोले नहीं ये नहीं है, बोले तुम्हारा जो पैसा है वो परमात्मा है, बोले नहीं, तुम्हारे सगे संबंधी परमात्मा है, बोले नहीं,
तुम्हारा शरीर परमात्मा, बोले नहीं। तो परमात्मा ये नहीं, परमात्मा ये नहीं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि इसको ऐसे समझो, है ना, कि ये आखिर में इस प्रकार क्यों वेदांत में ऐसी ट्रेनिंग क्यों दी जाती है। अध्यारोप अपवाद ठीक है, वेदांत की शैली है समझाने की, तत्व को समझाने की, पर इसमें जब सबको कहेंगे कि भाई सब ब्रह्म ही है, तो फिर पहले क्यों कहते हैं कि भाई ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, ये परमात्मा नहीं है, ये परमात्मा नहीं है। शुरू से ही कहो ना कि सब ब्रह्म है। तो इसलिए महाराज यहाँ प्रश्न कर रहे हैं कि ये परमात्मा नहीं, ये परमात्मा नहीं, तो ये बात समझ में नहीं आती हमको, तो फिर बाद में कहते कि सब ब्रह्म है। तब महाराज आज के पृष्ठ में, मतलब 26 अक्टूबर के पृष्ठ में ये समझा रहे हैं कि इसको दृष्टांत से समझो। कैसे? इसको ऐसे समझो कि एक बच्चे को सोने की पहचान करानी थी। माँ बाप चाहते थे कि हमारा बच्चा सोना पहचान ले, तो तिजोरी खोल दी और बेटे से कहा कि बेटा तिजोरी से सोना उठा करके लाओ। बेटा अंगूठी उठा कर ले आया कि देखो पिताजी ये सोना है। बोले नहीं, ये तो अंगूठी है, है ना, इसका नाम सोना नहीं है। फिर गया हार उठा कर ले आया, है ना, माँ बाप ने कहा कि नहीं ये हार है, सोना नहीं है। सिल्ली उठा कर ले आया, कहा कि ये तो सिल्ली है, सोना नहीं है। तो वो बेचारा हार गया, बोला बाबा हमको तो सोना नहीं मिला, है ना। तो महाराज जी कह रहे हैं कि ये जो अपवाद किया ना उन्होंने, सबके लिए मना किया, अंगूठी के लिए भी मना किया सोना नहीं है, हार के लिए भी मना किया सोना नहीं है, सिल्ली के लिए भी मना किया सोना नहीं है, तो इसको कहेंगे अपवाद। तो कह रहे हैं कि ये अपवाद हुआ क्या, कंगन सोना नहीं है, है ना, हार सोना नहीं है, अंगूठी सोना नहीं है, सिल्ली सोना नहीं है, है ना। अच्छा ठीक है, अब बाद में जब बच्चे को शिक्षा देनी थी कि सोना क्या है, तो अब सुनो महाराज कह रहे हैं, लेकिन आप इस निषेध को, इस अपवाद को क्या सच्चा समझते हैं? यह तो केवल नाम रूप से वृत्ति हटा करके सोने की पहचान करवाने की एक युक्ति है। क्यों, बच्चे ने पूछा, तो फिर पिताजी सोना क्या है? तो अब देखिए, वही कंगन, वही अंगूठी, वही हार, वही सिल्ली जो बेचारा लेके आया था, है ना, उसको बताते हैं कि ये अंगूठी सोना है, ये अंगूठी भी सोना है, ये हार भी सोना है, ये सिल्ली भी सोना है, है ना, कंगन भी सोना है। तो बोले तुम केवल वहाँ, तो बच्चे ने पूछा कि आपने पहले मना क्यों किया, आपने जब हम एक एक चीज़ लेके आए आपने अपवाद कर दिया, बोले कि सोना नहीं है, और आप बोल रहे हो कि अब ये सब के बारे में कोई ये सब सोना है, तो हम तो ठीक लेके आए। नहीं, बोले कि तुम केवल अंगूठी, केवल हार अथवा सिल्ली को स्वर्ण न समझ लो, इसलिए मना किया। मना करने का मतलब ये नहीं था कि वे सोना नहीं है, मना करने का मतलब था कि अंगूठी, हार एवं सिल्ली आदि से जुदा स्वर्ण नाम की जो धातु है उसको तुम पहचान लो, तब सोना है। ये परम पूज्य महाराज इस दृष्टांत के द्वारा बहुत सरल करके समझा रहे हैं कि वेदांत की प्रक्रिया क्या है, कि हम लोग नाम रूप में फंसे हुए हैं। अगर बच्चों को हम ठाकुर जी का स्वरूप माने हैं, है ना, तो वहाँ कोई फंसावट नहीं है। और हमारे बच्चे हैं, इसीलिए मैंने कहा वो सुनीता, डॉक्टर सुनीता और प्रदीप आए ना, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे क्षितिज और रिदम दो बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, तो बताया कुछ अपनी बात, ऐसे ऐसे है, और माता ने पिता ने दोनों ने बताया कि भाई जो हमारे बच्चे हैं तो ऐसे हैं और उसके लिए कभी चिंता हो जाती है। तो हमने यही बात कही कि ये जो कहा ना आप लोगों ने कि हमारे बच्चे हैं, इसको निकाल दो, ठाकुर जी के बच्चे हैं, है ना, सद्गुरुदेव के बच्चे हैं, ईश्वर के बच्चे हैं। यहाँ तक तो ठीक हो गया, तो नाम रूप से हटाने के लिए, नाम रूप में हम लोग फंसे हुए हैं। है तो वो परमात्मा ही, पर परमात्मा रूप से हम लोग कहाँ जान रहे हैं, हम तो वो हमारा ममता जो जुड़ी हुई है और इस शरीर में जो अहमता जुड़ी हुई है, तो इस अहमता और ममता को काटने के लिए ही पूरा आप देखेंगे बार 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 हरेक पृष्ठ में वो ही बात आएगी। तो इसलिए यहाँ पर भी यही बता रहे हैं कि सोना तो सब है, पर वो तुम इसी को सिर्फ सोना मान लेते तो तुमको स्वर्ण की पहचान नहीं होती। तो सोना तो इन जितने आभूषण हैं उनसे अलग भी तो सोना है। तो बोले फिर सिल्ली को ही आपने सोना क्यों नहीं कहा,
बोले सिल्ली भी सोने का आकार है ना, वो सोने धातु जो है वो तो बिल्कुल तेजस तत्व है। तो वो तेजस तत्व जो है उसको हम तुम्हें उसकी पहचान करवाना चाहते हैं। इसी प्रकार ये जो सच्चिदानंद सच्चित आनंद और अद्वैत जो तत्व है पूरी सृष्टि के मूल में, और वो सच्चिदानंद तत्व ही सब सृष्टि बना हुआ है ना, वही वृंदावन बना हुआ है, वही बम्बई बना हुआ है, वही सब बना हमारा सुख सदन बना हुआ है, गोपालगढ़ बना हुआ है, यानी ठाकुर जी ही सब बने हुए हैं नाम रूप। समुद्र जो है वही कोई बड़ी तरंग, कोई छोटी तरंग, कोई फेन, कोई बुदबुद, कोई है ना झाग, क्या क्या दुनिया भर के वो जो है वो पानी का ही पूरा खेल है। पर हम जो हैं वो बड़ी तरंग जो है वो अपने को बड़ी तरंग मान लेगी, छोटी तरंग अपने को छोटी तरंग मान लेगी, अपने को अगर जल रूप में नहीं जानेगी तो वो दुखी हो जाएगी कि मैं मर जाऊंगी, है ना। तो ये हमारा अज्ञान जो है, हम हमारा असली स्वरूप जो है वो सच्चिदानंद है, और उस सच्चिदानंद के तत्व को जनाने के लिए महाराषि ने ये है ना पूरा का पूरा दृष्टांत समझाया कि वो बच्चे को सोने की जानकारी देने के लिए पहले सब अपवाद कर दिया, फिर बताया कि ये सब सोना ही है। तो अब क्या है कि स्वर्ण की कसौटी, इसलिए हमारे स्वामी रामानंद जी कहते हैं कि जो एक्सपर्ट स्वर्णकार होता है उसके सामने कितने ही स्वर्ण के आभूषण, बढ़िया बढ़िया आभूषण, एक से एक बढ़िया डिजाइन वाले ले आओ, उसकी सीधी दृष्टि सोने पे जाती है। ऐसे ही ये जो महापुरुष हैं उनकी सीधी दृष्टि परमात्मा पे जाती है। अब देखिए वो कह रहा है कि हमको आपको जो है भिकमंगों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, है ना। महाराष्ट्र कितने गंभीर हो गए, बोले कि भाई तुमको भिकमंगे दिखते होंगे, हमको तो परमात्मा दिखता है, है ना। तो ये सीधी दृष्टि जो तत्व पे जाना है इसको मतलब महात्मा लोग हमारे उसमें संस्कार उसको दृढ़ करते हैं, बार 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 वही चीज़ है ना प्रकारांतर से अलग अलग दृष्टांतों के द्वारा, अलग अलग है ना समझ के द्वारा हमारी बुद्धि में घुसा रहे हैं। जैसे बच्चे को समझा रहे हैं कि सोना क्या है, वैसे ये तो दृष्टांत है, दृष्टांत क्या है कि उस सच्चिदानंद को जानो जो कि अपना स्वरूप है, तो वो तो कभी मर ही नहीं सकता, उसको कुछ हो ही नहीं सकता। तो वही जब सच्चिदानंद नाम रूप लेके आता है तो नाम रूप में और आनंद आना चाहिए उसमें, तो और जो है हमको सावधान होना चाहिए, उसमें कोई प्रमाद नहीं है ना। यही तो संत लोगों से शिक्षा मिलती है। वो जो तन्मय का मित्र जो है तो कैसे तन्मय प्रभावित है उससे कि भाई गजब है, हम भी हैं वो भी है, पर वो इतना उसका नियम का पक्का, अब एक घंटा भागना पड़ेगा, इतना खाया है तो उसी वक्त बचाओगे ना, नहीं तो तब तक वो चर्बी बन जाएगी, है ना। तो ये भी एक ट्रेनिंग है। तो वो जो है सच्चिद आनंद जो है वो ही उसी की अभिव्यक्ति नाम रूप में है, और वो नाम रूप को हम लोग जो है ठीक ठीक वैराग्य तो होता नहीं है, और ना समझी से उसकी उपेक्षा कर देते हैं, और उपेक्षा करने से फिर बाद में उससे कष्ट भी होता है। तो उपेक्षा कुछ भी नहीं है, ये जो सृष्टि है उसमें उपेक्षा कुछ भी नहीं है, है ना। शुरू शुरू में भले वैराग्य के कारण ऐसी उपेक्षा हो जाए, पर ये बाद में आगे चल के समझ में आते कि हर चीज़ का आदर, वो आता है बेचारा है ना आके खड़ा हो जाए, कह सकता है क्या है स्वामी जी आप इसको है ना उठ के और प्रसाद देते हो, आप अपना सत्संग किया करो, नहीं कोई भी उपेक्षा नहीं है, क्योंकि परमात्मा स्वयं आ रहा है ना। महाराषि कह रहे हैं कि भाई हमको तो परमात्मा दिखता है तो हमको तो ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी ना, कि भाई आपको तो चलो आपका तो एक सहज स्वभाव हो गया है ना, आपको तो दृष्टि प्राप्त हो गई, पर उसके लिए अभ्यास जो उन्होंने किया, जो जितनी साधना की, जितने अनुष्ठान किए, जितना जप किया, इतनी साधना तो हमारी नहीं है ना। तो अब कम से कम उनकी जब उस प्रकार का भाव लाएंगे तो भाव से ही तो भाव दृढ़ होगा, तो यही तो संस्कार को दृढ़ करने का तरीका है। किसी की भी उपेक्षा ना हो, किसी के प्रति भी कि भाई ये नकली पाँव है ना, असली पाँव तो ये है। कुछ नहीं, हर एक चीज़ जो है हर जगह गंभीर है ना, जैसे रचना चाहती है कि भाई हर जगह गंभीर रहे। तो कह रहे हैं कि नेति नेति सिखाया जाता है वेदांत में, इसका मतलब ये नहीं है कि दृश्य प्रपंच छोड़ने मारने अथवा ईर्ष्या द्वेष करने के लिए, द्वेष घृणा ईर्ष्या स्पर्धा इनका नाम वैराग्य नहीं है, नेति नेति वस्तु तत्व को पहचानने के लिए। महर्षि ने वही बात स्पष्ट कर दी
लोग जो गलती करते हैं उपेक्षा कर देते हैं, है ना, छोड़ देते हैं उसका द्वेष घृणा ईर्ष्या, तो ये सब इसका नाम वैराग्य नहीं है। वैराग्य किसका नाम है? बोले कि वस्तु को पहचान लिया और अब उसका आनंद ले रहे हैं कि भाई उसका क्या क्या रूप, किस किस रूप में ठाकुर जी आ रहे हैं, है ना। तो ठाकुर जी को ये सब कोढ़ी रूप और इस प्रकार का रूप बनाने की क्या ज़रूरत थी? तो महर्षि ने वो भी जवाब दिया है, बोले कि ये जो आदमी है इसका कहीं ना कहीं दिल तो पिघले, अरे ये कोढ़ी जो मांग रहा है उसको देख के भी अगर इसका दिल पिघले कि देखो क्या क्या, है ना, ठाकुर जी ही वो सब रूप बना रहे हैं, बहुत विचित्र कर रहे। इसीलिए तो देखो वो मदर तिरिशा कितने प्रेम से कोड़ियों की सेवा करती थी, है ना, कोई मामूली बात थोड़ी है। श्री वैष्णवाचार्य, अब देखिए अंतिम पंक्ति में, ये आज की पृष्ठ का लब्बो लबाव है क्या, श्री वैष्णवाचार्य इसी बात को पकड़ते हैं। श्रीमद् भागवत में ऐसा आया है कि जो ईश्वर को पहचान लेता है, देखिए वहाँ स्वर्ण को पहचानने की बात बताई दृष्टांत में, दृष्टांत में जो ईश्वर को पहचान लेता है उसको सब जगह ईश्वर का दर्शन होता है। क्यों? क्योंकि सच्चिदानंद के सिवा कुछ है नहीं, और सच्चिदानंद ही ये सब नाम रूप विभिन्न नाम रूप लेके लीला कर रहा है, तो यही उसकी माया है। तो माया का अर्थ क्या है? कि जो नहीं है उसको दिखा दे और जो है उसको छिपा ले। तो सच्चिदानंद जो असली तत्व है वो तो किसी को पता ही नहीं है क्या है, और वही तो ईश्वर है, वही तो ठाकुर जी है, वही तो परमात्मा है, और जो नाम रूप है ना, वो तो माया का रूप है, तो उसको वो दिखा रहा है। तो माया क्या करती है कि ईश्वर को छुपा लेती है और जो है नहीं उसको दिखा देती है नहीं का मतलब जो चीज़ जैसे स्वप्न है, तो स्वप्न को मिथ्या क्यों कहते हैं? स्वप्न के समय बिल्कुल था वो, हमने देखा उसको, है ना। अभी कल परसों हमको स्वप्न आया, कोई भस्म दे रहा था, वो तो बड़ी विचित्र भस्म, बड़ी सिद्ध भस्म, है ना, और हमको बड़े प्रेम से दे रहा था, हम भी बड़े खुश हो रहे थे कि ये भस्म दे रहे। उतने में एक क्षण के लिए दिमाग में आ गया, अरे ये तो स्वप्न है ना, तो फिर हम समझ गए कि अब ये भस्म रहने वाली नहीं है, है ना। कितने भी हम खुश हो ले ये भस्म मिल जाएगी, पर अब ये रहने वाली नहीं है क्योंकि ये स्वप्न है। इसी प्रकार संसार की कोई चीज़ देख लो, है ना, सुरेश चले गए उधर, हमारी कमल की वंदना चली गई उधर, कल ही मैंने सुनाया, कल क्या आज ही सुनाया, तो हमारी जो सपना जो आएंगी, है ना, उनके पति देव गुजर गए, है ना, तो ये बिल्कुल बिल्कुल स्वप्न के जैसे। तो स्वप्न को हम सच्चा नहीं मानते हैं, पर इसको हम सच्चा माने बैठे हैं। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि श्री वैष्णवाचार्य इसी बात को पकड़ते हैं, श्री भागवत में ऐसा आया है कि जो ईश्वर को पहचान लेता है उसको सब जगह ईश्वर का दर्शन होता है, यानी सब जगह। जैसे वो रामानंद जी महाराज ने बताया कि एक्सपर्ट जो गोल्ड स्मिथ है, स्वर्णकार, वो कितने भी आभूषण सामने लाओ वो स्वर्ण को देख लेता है कि असली है कि नकली। इसी प्रकार जैसे महाराष्ट्री को वहाँ वो कह रहे थे कि भाई ये भिखारी है, भिकमंगे हैं, महाराष्ट्री ने कहा कि तुझको भिकमंगे दिखते होंगे, हमको तो परमात्मा दिखता है। तो वो परमात्मा को पहचानने का यही तरीका है। नाम रूप में तो वो लीला ही करेंगे, वो नाम रूप को कभी भी महात्मा सच्चा नहीं मानते, वो तो उनका एक खेल है। पर उसमें जो स्वयं परमात्मा बैठा है, पांच चीज़ें हैं, सत चित आनंद नाम और रूप। अद्वैत को एक मिनट छोड़ दो तो सत चित आनंद नाम और रूप, तो सत चित आनंद हमेशा रहेंगे, कभी भी कोई ऐसा है ही नहीं जिसमें सच्चिद आनंद छूटेगा, सच्चिद आनंद हमेशा रहेंगे। इसीलिए दूसरे अध्याय के श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने कहा, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। सत का कभी अभाव नहीं होगा, सच्चिद आनंद का कभी अभाव नहीं होगा, और असत जो है ये नाम रूप जो है, तो नाम रूप के बारे में भगवान ने और विलक्षण बात कही, बोले कि उनका कभी भाव ही नहीं है। भाव ही नहीं है मतलब स्वप्न हमको आया, वो भस्म दिखी वहाँ, न तो भस्म थी, न कोई भस्म देने वाला था, न वहाँ कोई गोविंदानंद था, तो इसका मतलब असत का भाव होता ही नहीं है, खाली वो दिखता है। इसी प्रकार ये जागृत जिसमें मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, है ना, ये है नहीं, पर ये वेदांत की बहुत कठिन बात है, इसको अनुभव करना कोई मामूली खेल नहीं है।
बहुत बड़ा वैराग्य चाहिए, तब जाके ये बात अनुभव में आती है कि ये जागृत भी एक खेल चल रहा है। जैसे स्वप्न में हमने देखा वो भस्म देने वाला, भस्म लेने वाले, जागने में पता लगा यानी कि सब सब मिथ्या। ऐसे ही महात्मा लोग जो जग गए हैं अपने स्वरूप में, वो लोग हमको समझाते हैं कि भाई तुम भी जागो, इस जागृत से जागे बिना ये सुख दुख कम नहीं होंगे, है ना। एक दुख मिटा दूसरा तैयार बैठा है ना, तो चलो ये इसको हटा ले फिर मेरे को जगह मिले। देखिए दुख हटा तो फिर सुख को आना चाहिए ना। बोले नहीं नहीं, सुख तो तुम्हारा पुण्य का है ही है, ये तो सत्संग से मिल ही रहा है, यही सबसे बड़ा पुण्य है, इससे बड़ा और कोई सुख नहीं है। बाकी दुख एक के बाद एक पड़े हैं, हाँ बिल्कुल लाइन क्यों लगाए हैं। तो इसलिए इसको महात्मा लोग इसका आनंद लेते हैं। इसलिए महाराज जी को मैंने सुनाया ना कि करा रहे थे आ करके, तो मुझे चिंता हुई, मैंने कहा कि महाराज जी है ना आपको कोई कष्ट हो रहा है क्या। अरे बोले हम तो कराने का आनंद ले रहे हैं। अब क्या क्या बताऊँ, इन महापुरुषों की लीलाएँ कोई मतलब कल्पना ही नहीं कर सकता कि भाई कराने का भी आनंद हो सकता है। कराने का दुख तो होता है, ये तो आज तक सुना था है ना। नारायण 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 नारायण, श्री राम जय जय राम।